हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इलेक्ट्रॉनिक स्टडी पर। नमस्कार, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके UPTET के तहत जो हमने आपका एक सिलेबस के अकॉर्डिंगली पूरा आपकी पढ़ाई जो हमने शुरू की है, ये है आपका बाल विकास। लगभग चार भागों में, चार एपिसोड आप बोलो या फिर पार्ट फोर तक बोलो, उनके बारे में ऑलरेडी हम बात कर चुके थे। यहाँ पर हम अपना नया एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं अगले भाग में, और वो है बाल विकास की अवस्थाएं, यानी कि स्टेजेस ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपका हर बार यहाँ से भी आपको सवाल ज़रूर देखने को मिलते हैं, और कैसे सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चंस किस प्रकार से होंगे, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। डेली लाइव क्लासेस होती हैं शाम को 7 बजे, आप लोग अपनी उपस्थिति ज़रूर दर्ज करवाया करिए। UPTET की स्पेशल UPTET की क्लासेज होती हैं वो, ठीक है। आज भी हम UPTET के बारे में बात करने वाले हैं, UPTET में CDP के क्वेश्चंस को लेकर के बात करेंगे, और डेली ये लेक्चर्स आपके शाम के 5 बजे आते हैं, ठीक है। नोट्स बनाते रहिए, पढ़ते रहिए, कोई सवाल है, कोई सुझाव है मेरे लिए तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। दोस्तों, जब आप बात करते हो बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर के, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहला पॉइंट, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने बाल विकास की अवस्थाओं को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया है, और ये अवस्थाएँ हैं। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सबसे पहले रॉस महोदय के अनुसार, तो उन्होंने बाल विकास को कितनी अवस्थाओं में बांटा है, 4 अवस्थाएँ, और वो हैं कौन कौन सी। पहली है इनकी शैशवावस्था यानी इन्फेंसी स्टेज, जिसको इन्होंने कहा कि जन्म से 5 या 6 साल तक की अवस्था। जब ये बाल्यावस्था के बारे में बात करते हैं तो कहते हैं 5 या 6 साल से 12 साल की अवस्था। किशोरावस्था में कहते हैं, यानी एडोलिसेंस स्टेज जो होती है, कहते हैं 12 से 18 वर्ष तक जो है। और वहीं जब प्रौढ़ावस्था की बात करते हैं तो एडल्टहुड स्टेज, यानी कि ये है 18 वर्ष के पश्चात। आपको मैं बता दूं, इनमें से ऐसे क्वेश्चन दे देगा कि इनमें से जो रॉस का वर्गीकरण है बाल विकास की अवस्थाओं को लेकर के, वो कौन सा होगा, या कितनी अवस्थाओं में उन्होंने बांटा है, या रॉस के अनुसार जो प्रौढ़ावस्था की आयु है वो कहाँ से कहाँ तक मानी गई है, ठीक है। हरलॉक महोदय के बारे में बात कर लेते हैं, EB हरलॉक, इन्होंने 8 भागों में बांटा है किसको, बाल विकास को, ठीक है। तो 1990 में इन्होंने इस चीज़ को बताया था। सबसे पहली जो इनकी अवस्था है, गर्भकालीन अवस्था, यानी कि ध्यान दीजिएगा प्रीनेटल स्टेज करके लिखा हुआ है, पीरियड बोलते हैं इसको, यहाँ पर है गर्भधारण से लेकर के जन्म तक का समय। उसके बाद है शैशवावस्था, यानी जन्म से लेकर के 14 दिन तक का, ध्यान देंगे 14 डेज शैशवावस्था। कॉन्सेप्शन स्टेज जो होती है, उसके बाद बचपनावस्था यानी बेबीहुड स्टेज जो होती है, 2 सप्ताह से लेकर के 2 वर्ष तक, मैं तीसरा पॉइंट पढ़ रहा हूँ। द फोर्थ पॉइंट इज पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 3 से 6 वर्ष तक इन्होंने माना है। वही उत्तर बाल्यावस्था की आयु 6 से 18 इन्होंने कहा है, यही है आपका डिफरेंस, ये आपको बहुत विशेष ख्याल रखना है। अभी हम एक सर्वमान्य जो आपकी आयु सीमा है उसको भी लेकर के बात करेंगे, और जितने प्रमुख मनोवैज्ञानिकों ने जितनी जो आयु सीमा बताई है यानी अवस्थाओं को लेकर के बात की है, वो मैंने इस नोट्स में आपके लिए लिख दिए हैं। वयासंधि या पूर्व किशोरावस्था 11 से लेकर के 17 साल तक। आपको मैं बता दूं, एक तरीके से जो होता नहीं है ट्रांजिशन का स्टेज, वयासंधि करके बोलते हैं। UPTET में सवाल पूछा गया है आपका, वयासंधि जो है ये वाली अवस्था कौन सी अवस्था होती है, तो उत्तर जो है वो बाल्यावस्था और किशोरावस्था के बीच की जो एक कड़ी होती है ना, वो यही वयासंधि या ट्रांजिशन स्टेज, बाल्यावस्था से, यानी कि वो बालक जो है वो बाल्यावस्था से किधर की तरफ आ रहा होता है, हाँ जी वो आ रहा होता है किशोरावस्था की तरफ। और वयासंधि, इसको प्यूबर्टी भी बोलते हैं, यहाँ देखिए लिखा हुआ है PUBERTY, ओके। फिर बात आती है किशोरावस्था की, 7वां पॉइंट जो कि 17 से 21 साल तक है। 8वां पॉइंट है प्रौढ़ावस्था, यानी 21 से लेकर के 40 साल तक। ये था हरलॉक महोदय का वर्गीकरण। कोल महोदय की अगर बात की जाए तो इन्होंने बाल विकास की अवस्थाओं को 12 भागों में बांटा है, हाँ जी। हरलॉक महोदय 8 थे, रॉस 4 थे, वो दुगना उसका 8 थे, तो ये उसमें और 4 जोड़ दीजिए कोल में। देखिए थोड़ा सा ट्रिक भी आप अपना सकते हो ऐसे, वो 4 थे, ठीक है, रॉस, हरलॉक, या इसको आप ऐसे थोड़ा रोज़ हर कोल करके थोड़ा सा याद कर सकते हो, है ना, रोज़ हर कोल, तो रोज़ से रॉस मतलब कोल या कोयला, रोज़ हर कोल या कोयला निकालते हैं या कुछ ऐसे करके, तो ऐसे भी याद रहेगा। 4 है, फिर उसका दुगना आपका 8 हो गया, और 8 से फिर इन्होंने फिर से 4 जोड़ दिया तो कोल महोदय का आ गया, ठीक है। शैशवावस्था जन्म से 2 साल तक, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो 2 से 5 साल तक की अवस्था है। मध्य बाल्यावस्था को इन्होंने बांटा है बालक के लिए 6 से 12 साल, जबकि बालिका के लिए 6 से 10 साल, अलग अलग इन्होंने डिवीज़न किया है, आपको इसका विशेष ख्याल रखना है। पूर्व किशोरावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, वो है बालक की 13 से 14 साल तक, जबकि बालिका के लिए जो आयु है वो 11 से 12 साल है। वहीं प्रारंभिक किशोरावस्था, मैं 5वां पॉइंट पढ़ रहा हूँ इस समय,
प्रारंभिक किशोरावस्था की है, यानी कि जो अर्ली आप एडोलेसेंस स्टेज की बात करते हो, तो बालक की इन्होंने कहा कि भाई 15-16 साल में होता है और बालिका की 12-14 साल में होती है, 12 से 14 साल में। मध्य किशोरावस्था बालक की 17 से 18 साल, वहीं बालिका की 15 से लेकर के 17 साल तक है। आफ्टर दैट आप पढ़ोगे 7वां पॉइंट जो कि है उत्तर किशोरावस्था यानी कि लेट एडोलेसेंस स्टेज। बालक की 19 से 20 साल तक जबकि बालिका की 18 से 20 साल तक। वहीं प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की जब आप बात करते हो 8वां पॉइंट 21 से 37 साल तक की है। पूरी मध्य प्रौढ़ावस्था की है 35 से लेकर के 49 वर्ष तक। उत्तर प्रौढ़ावस्था की आयु जो है वो 50 से लेकर के 64 वर्ष तक है। 11वां पॉइंट लिखा हुआ है प्रारंभिक वृद्धावस्था। इन्होंने कहा कि जो और ये पूरे व्यक्ति विकास को लेकर के इन्होंने अवस्थाओं में बांटा उसको, ठीक है। तो 65 से लेकर के 74 साल तक प्रारंभिक वृद्धावस्था इन्होंने बोला। और 12वां जो इनका पॉइंट था वो था वृद्धावस्था जो कि 75 से आगे, ठीक है। ये था कोल महोदय का वर्गीकरण, COLE करके आप लिखते हो, कोल महोदय का वर्गीकरण था। जोन्स महोदय की बात कर लेते हैं। जोन्स ने क्या बोला है, इन्होंने कहा भाई 3 अवस्थाएं हैं केवल। शैशवावस्था जो कि जन्म से 5 साल तक की आयु होती है। बाल्यावस्था 5 से 12 साल तक की आयु सीमा होती है, या आयु वर्ग के बच्चों को जो है उसमें कंसिडर किया जाता है। जबकि अगर 12 से 18 साल का कोई बच्चा है तो उसको आप क्या बोलोगे कि वो किशोरावस्था में है यानी एडोलेसेंस स्टेज में है। ये जोन्स महोदय का वर्गीकरण था। रूसो महोदय का भी वर्गीकरण कुछ ऐसे ही देखने को मिलता है। हाँ जी, एक प्रकृतिवादी थे रूसो, एक दार्शनिक के रूप में आप जानते हो, ठीक है। लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने का सिद्धांत भी रूसो के द्वारा दिया गया था। ये कहते हैं पहला जो आपका है शैशवावस्था 1 से लेकर के 5 साल तक, ठीक है। 5 से 12 साल तक के बीच में अगर कोई भी बच्चा है तो वो बाल्यावस्था में आएगा। और अगर 12 से 20 साल है, आपको यहाँ ये ख्याल रखना है कि यहाँ 0 ना होकर के 1 है और यहाँ 18 ना होकर के 20 है, यही थोड़ा अंतर रखना है आपको, ठीक है। जब आप किसकी बात करोगे यहाँ पर ऊपर, जब जोन्स महोदय की बात करोगे और रूसो की बात करोगे, देखिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि कैसे आप याद रख सकते हो इन्हें, क्योंकि इन्होंने 0 से 5 नहीं 1 से 5 1 to 5 बोला और 12 से 18 नहीं 12 से 20 साल बोला किशोरावस्था को लेकर के। और दोस्तों सबसे बड़ी चीज़ भाई, बहुत सारे मतभेद थे कि भाई क्या होना चाहिए, क्या कितनी अवस्थाएं होनी चाहिए, और एक सर्वमान्य वर्गीकरण आपके सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये एक सामान्य वर्गीकरण है। बाल विकास की अवस्थाएं कितनी होती हैं अगर आपसे कोई पूछता है तो भाई इसके अलावा कोई और उत्तर नहीं दीजिएगा, ठीक है। 3 अवस्थाएं होती हैं बस, ठीक है, मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती हैं। ये शैशवावस्था की आयु सीमा लिखी हुई है जन्म से 5 या 6 वर्ष। अगर 5 या 6 लिखा है तो गलत नहीं है, ठीक है। उसके बाद 6 से 12 साल जो है वो बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड स्टेज। एंड आफ्टर दैट 12 से 18 साल जो है वो है आपका किशोरावस्था की आयु, जो एडोलेसेंस स्टेज के बारे में बात करते हो। आशा करते हैं कि जो बाल विकास की अवस्थाएं हैं मैंने उन सभी के बारे में बता दिया है। क्वेश्चंस यहीं से आपके इन्हीं में से जो है काफ़ी कुछ पूछे गए हैं और वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। तो अब हम पढ़ेंगे यहाँ पर अलग अलग अवस्थाओं के बारे में कि शैशवावस्था में क्या कुछ परिवर्तन होते हैं, क्या कुछ उसकी विशेषताएँ हैं। बाल्यावस्था को लेकर के बात करेंगे और फिर किशोरावस्था के बारे में बात करेंगे। दोस्तों अगर यहाँ पर लगता है कि कुछ आपके लिए थोड़ा सा भी प्रयास किया जा रहा है तो थोड़ा सा आप भी एक काम कर दिया करिए कि वीडियो को जो भी आपके कॉलेज में फेसबुक ग्रुप है आपका जो भी बना हुआ है, या आपका जो व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है स्टूडेंट्स का, उनके साथ में प्लीज़ शेयर कर दिया करिए, ठीक है। तो जिसे आप भी जो है, जैसे मैं आपको लगता है कि मैं आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो वो लोग भी आप उनको भी थोड़ा सा एहसास हो कि हाँ भाई मेरे जानने में लड़का था या हमारे क्लास का लड़का है जो ऐसी चीज़ें भेजता है, और आप उसके साथ में प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दिया करें, ठीक है। यहाँ पर बात हो गई सामान्य वर्गीकरण को लेके। दोस्तों सबसे पहले हम इन्फेंसी स्टेज के बारे में बात करेंगे। शैशवावस्था होती क्या है, लिखा है बाल विकास क्रम की पहली अवस्था जो है वो इन्फेंसी स्टेज या शैशवावस्था होती है। सेकंड पॉइंट है समय निर्धारण के संबंध में विद्वानों का मतभेद है। बिल्कुल मतभेद है भाई, कोई 1 से 5 साल बोल रहा है और कोई 0 से 5 साल बोल रहा है। लेकिन आपको मैं बता दूं, थर्ड पॉइंट कह रहा है कि जन्म से 5 या 6 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी स्टेज होती है, ठीक है। यही आप लिखोगे। हरलॉक महोदय क्या बोलते हैं 4th पॉइंट में, ये कहते हैं कि शैशवावस्था जन्म से 2 सप्ताह तक चलती है और उसके बाद बचपनावस्था प्रारंभ हो जाती है जो 2 वर्ष तक होती है। अब इन्होंने क्या बोला है, शैशवावस्था को इन्होंने अपनी तरीके से डिफाइन किया है, ठीक है। तो फिलहाल आप 0 से 5 या 6 साल तक मान के चलोगे। कुप्पू स्वामी क्या कहते हैं,
कुप्पू स्वामी कहते हैं कि शैशवावस्था जो है वो जन्म से 3 वर्ष तक चलती है। अब कुप्पू स्वामी ने भाई जन्म से 3 साल ही बोला है, ठीक है, क्या बोला है, जन्म से 3 साल बोला है। चलिए शैशवावस्था की कुछ विशेषताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं, काफ़ी कुछ इसकी विशेषताएं हैं, हम अलग से भी इनकी करेक्टरिस्टिक्स को लेकर के बात करेंगे और यहाँ पर फिलहाल कुछ विशेषताएं हैं उनको देख लेते हैं। अपरिपक्वता यानी कि इमेच्योरिटी, जो शिशु होता है उसका शारीरिक या मानसिक जो विकास होता है वो ना के बराबर होता है उस समय, ठीक है। कहने का मतलब ये है वो मैच्योर नहीं हुआ होता है, वो परिपक्व नहीं हुआ होता है, उसको चीज़ों को समझने की, समायोजन करने की, सामंजस्य स्थापित करने की जो शक्ति है वो ना के बराबर होती है, नहीं होती है, ठीक है। तो समायोजन के लिए क्या होता है, परिवार के संरक्षण की इनको ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं बात करूँ पराश्रितता को लेकर के, यानी कि डिपेंडेंसी बोलते हैं, डिपेंडेंसी यानी कि पराश्रितता, कहने का मतलब यह है जो शिशु है दूसरे पर आश्रित होता है, क्या होता है, दूसरे पर आश्रित होता है, बिल्कुल। वहीं जब आप तीसरे पॉइंट को लेकर के बात करते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार यानी कि इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। आपको मैं अगर बता दूँ मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार ये क्या होता है भाई, शिशु के सभी व्यवहार मूल प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित रहते हैं, इसलिए भूख लगने पर वो रोता है और प्यार करने पर हंसता है। आपको इन्हीं चीज़ों का ख्याल रखना है, ठीक है, हाँ इन्हीं चीज़ों का आपको ख्याल रखना है कि भूख लगने पर उसका रोना मूल प्रवृत्तियों पर उसका जो है, जैसे कहते हैं ना आपकी प्रवृत्ति, उसकी प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, उसके साथ में बद बैठी है ना, ऐसे करके उसकी संगत या प्रवृत्ति अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ें आपको विशेष ख्याल रखना है इसमें। अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है कि मूल प्रवृत्तियों द्वारा निर्धारित होती है, इसलिए भूख लगने पर रोता है और प्यार करने पर हंसता है, ये है इंस्टिंक्टिव बिहेवियर, ठीक है। सवाल ऐसे पूछा जाता है इस पे कि इनमें से कौन सी जो विशेषता है वो शैशवावस्था से संबंध रखती है, उसमें मूल प्रवृत्त्यात्मक लिखा होगा और आपको फिर पहचानना होगा कि भाई ठीक है, हाँ यही है मूल प्रवृत्त्यात्मक, ठीक है, जो कि शैशवावस्था से रिलेट करती है। आशा करते हैं ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। संवेगशीलता को लेकर के बात कर लेते हैं, इमोशनैलिटी लिखा हुआ है, शिशु का संवेगी होना, वहीं यह संवेग क्षणिक होता है, वो इमोशनल तो होता है लेकिन क्षणिक होता है। कहने का मतलब यह है अभी एक पल ध्यान दीजिएगा, एक पल वो रो रहा होता है, आप उसे खिलौने दीजिए तुरंत शांत हो जाएगा, ठीक है, भूख लगी है रो रहा है, अगर उसे दूध मिलता है ऐसे उसमें तुरंत वो शांत हो जाता है। ये संवेग जो होते हैं वो क्षणिक होते हैं, मोमेंटरी होते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता को लेकर के बात की जाए, शारीरिक बनावट, ठीक है, रूप रंग व्यवहार ये सब एक दूसरे से अलग अलग होते हैं उस बच्चे के, ठीक है। अगर एक शैशवावस्था में 2-3 बालकों को आप कंपेयर करके देखिएगा तो ये सारी जो है चीज़ें जो है आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी, ओके। हाँ कुछ बातें होती हैं जो आपको सेम ज़रूर मिल जाती हैं, एक्सेप्शंस की बात नहीं है, लेकिन आपको अलग अलग चीज़ें आप वहाँ पर से देखने को मिलेंगी। अन्य विशेषताओं में कुछ बातें लिखी हुई हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें लिखा है भावी जीवन की आधारशिला, मतलब जो भविष्य में आने वाला जो जीवन है उसकी आधारशिला जो है वो क्या है, शैशवावस्था है। जैसे आप कहते हो ना कि एक बिल्डिंग बनानी है, तो बिल्डिंग मजबूत कब होगी, हाँ जी बिल्डिंग मजबूत तभी होगी जब उसकी नींव मजबूत होगी, ठीक है, तो नींव है शैशवावस्था। अगला पॉइंट लिखा हुआ है सीखने का आदर्श काल, वैलेंटाइन शेरोल आपका यूपीटेट में सवाल ये पूछा गया है, सीखने का आदर्श काल किस अवस्था को कहा जाता है, ठीक है, तो यहीं से बालक सीखता है। मैं आपको बता दूं आप इस उम्र में बच्चों को जो भी सिखाओगे ना वो ता उम्र उन्हें याद रहेगी। आप उन्हें अच्छी परवरिश दोगे, नैतिकता वाली बातें, नीतिगत बातें बताओगे, ठीक है, सत्कर्मों के बारे में बताओगे तो वो वैसा ही सीखेंगे। अगर आप बुरे कर्मों के बारे में, अनैतिक बातों के बारे में अगर आप बात करते हो या ऐसा माहौल है परिवार का या जो भी चीज़ें हैं, तो वो ताउम्र वही चीज़ें वैसी ही उनकी भावना होगी। इसीलिए आदर्श काल बोलते हैं, यानी कि आइडियल स्टेज ऑफ लर्निंग, कौन सी, इन्फेंसी स्टेज, ओके। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण क्या होता है, हाँ जी बिल्कुल, जो एक बोलते हो ना आप एक रेमेडी, हाँ सॉरी एक फॉलोअप टीचिंग होती है, एक आदर्श वाचन होता है एक अनुकरण वाचन। तो अनुकरण मतलब मान लीजिए अगर आप घर में कुछ भी एक्टिविटी, कोई बड़े लोग हैं अगर एक्टिविटी कर रहे हैं, किताब को मतलब थोड़ा सा भी आप मान लो, जैसे मम्मी हैं
थोड़ा सा भी कुछ श्रृंगार कर रही हैं या कुछ भी ऐसा है ना, बिंदी लगाना या जो भी आप टिकली बिंदी बोलते हो भाई, लाली लिपस्टिक जो भी हो गया लगा रही होती हैं, कुछ भी आप देखोगे छोटे बच्चों को, तो बहुत ध्यान से वो देख रहे होते हैं। अगर वो देख रहे हैं तो आप पाउडर लगाना या कुछ भी ऐसे हुआ है ना, तो अगर कहीं मम्मी थोड़ा सा इधर उधर भी उन चीज़ों को छोड़ के गई तो आप जब वापस लौट के आओगे ना, तो हाँ जी वहाँ पर आपकी लड़के की जगह कोई और ही मिलेगा, मतलब समझ रहे हो ना आप, अपने मुँह पर पोत लेगा सब वो है, आपने देखा भी होगा ये चीज़ें। तो ये अनुकरण होता है, आपके मम्मी पापा, आपके मम्मी ऐसे करती गईं, उस बच्चे की मम्मी ऐसे करती गईं, वो चीज़ों को देख रहा था और वो भी वैसे ही करने लगा। या ये तो हो गया एक फिजिकल एक्टिविटी को लेकर के, अब आप ओरल चीज़ों को लेकर के बात करो। आप कुछ भी बोलते हो ना, और जिस दिन से वो बोलने लगता है वो आपकी बात को तुरंत कॉपी करता है, कुछ भी वो ये नहीं देखता कि आपने सही बोला है कि आपने गलत बोला है, आप क्या शब्द बोल रहे हो, उससे नहीं उसको जो है फ़र्क पड़ता, क्योंकि उस समय उसकी जो है तर्कड़ा शक्ति, तार्किकता, रीजनिंग को लेकर के, या फिर उसमें जो एक सोचने की जो क्षमता होती है, एक निर्धारण करने की चीज़ों की कि भाई ये सही है या गलत है, वो चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। क्षणिक संवेग अवस्था मैंने बताया आपका, क्षणिक होता है, एक पल में रोना एक पल में हंसना, तीव्रता से शारीरिक विकास देखने को मिलता है। मैं आपको बता दूं, जन्म के समय जो बच्चे का भार होता है वो 6 से 8 पाउंड तक होता है, कितना, 6 to 8 पाउंड तक, और जो बालकों का भार होता है वो बालिकाओं के भार से अधिक होता है, ठीक है। जन्म के प्रथम 6 माह में, ध्यान दीजिएगा, जन्म के प्रथम 6 माह में शिशु का भार 2 गुना हो जाता है और 1 वर्ष में उसी शिशु का भार 3 गुना हो जाता है। ये कुछ शारीरिक विशेषताएं भी हैं, इनको आप जानते चलिए, ठीक है। और शैशवावस्था के अंत में जो शिशु का भार होता है, ज़रा उसको लिख लीजिएगा, कितना हो जाता है, 38 पाउंड। स्टार्टिंग में 6 से 8 पाउंड था, ये इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये आप ज़रूर लिख लीजिए। लंबाई जो होती है जन्म के समय जो बालक की लंबाई होती है, ज़रा उसको भी लिख लीजिएगा, बालक की जो लंबाई होती है 20.5 इंच होती है, वहीं जो बालिका की लंबाई होती है वो होती है 20.3 इंच, ठीक है। कितनी, 20.5 और 20.3 इंच होती है। फिर इसके बाद जो है बालकों से धीरे धीरे क्या होता है, 3 या 4 साल बाद जो है बालिकाएं लंबी हो जाती हैं, और उसके बाद फिर से बालकों से वो छोटी हो जाती हैं, ओके। ये आपको बातें देखने को मिलेंगी, मतलब ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, ओके। अस्थियों की संख्या को लेकर के बात करते हो, लगभग 300 के आसपास, बाद में 206 अस्थियाँ हो जाती हैं। मांसपेशियाँ जो है कुल भार, मांसपेशियों का जो भार होता है ना, वो शरीर के कुल भार का 23% होता है, कितना, ये होता है मांसपेशियों का भार, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखनी है। मस्तिष्क को ले लो, मस्तिष्क का भार जो है 350 ग्राम होता है जन्म के समय, कितना, 350 ग्राम, और यह भार 2 वर्ष के पश्चात या 2 वर्ष के अंत तक 2 गुना हो जाता है। ये ऐसे पॉइंट्स थे जो इसमें नहीं लिखे थे और आपको लिखना है। चलिए जी आगे बात करते हैं। समुचित सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल, मैंने बताया भाई यहीं से अगर वो सीख लेता है सारी चीज़ें, तो आगे भी उसकी जो जो दशाएं हैं, अवस्थाएं हैं, वो और अच्छी होती जाएंगी। अंगों की रचना, आकृतियों का निर्माण, बालक का निर्माण काल, मैंने बोला है कि बिल्डिंग को अगर बनना होता है, एक पेड़ है अगर उसमें फल लगने हैं तो जड़ें उसकी सबसे पहले शुरुआत होती है, बीज और जड़ें, यानी कि वो चीज़ें मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रायड ने बोला था बालक का निर्माण काल, ठीक है, इस अवस्था को उन्होंने बोला था। मनुष्य को जो भी बनना होता है वह प्रारंभिक 5 वर्षों में ही बन जाता है, ठीक है, ये स्टेटमेंट भी जो है दिया गया। उसके बाद अगर बात होती है जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन के का शिलान्यास करता है, स्ट्रैंग महोदय का स्टेटमेंट है, 20वीं सदी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, क्रू महोदय ने ये चीज़ कही थी। जन्म के समय सबसे पहले शिशु जो है वो क्या करता है, क्रंदन करता है। शैशवावस्था में काफ़ी कुछ और विशेषताएं भी हैं, मानसिक विकास कैसे होता है, संवेगात्मक विकास कैसे होता है, उसको लेकर के हम अपने अगले वीडियो में बात करेंगे और फिर हम बढ़ेंगे बाल्यावस्था की तरफ। अभी आपका शैशवावस्था में कुछ पॉइंट्स बाकी हैं, ठीक है। आशा करते हैं फिलहाल यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से चीज़ें समझ में आई होंगी। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि गूगल प्ले स्टोर से टेलीग्राम चैनल को आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें सर्च का ऑप्शन होगा, फिर जब इंस्टॉल आप करोगे तो उसमें लिखना होता है आपको इलेक्ट्रॉनिक स्टडी, स्पेस कर दीजिएगा बीच में, इसको आप सर्च कर लीजिएगा और ज्वाइन कर लीजिएगा। क्या करना है, ज्वाइन करना है, ये इसलिए क्योंकि आजकल नोटिफिकेशन की इश्यूज़ बहुत हो रही हैं यूट्यूब के साथ में,
आप अपने आप को आश्वस्त कर लें कि आपने बेल आइकन जो रेड वाली है उसको प्रेस किया है कि नहीं सब्सक्राइब करने के साथ में, और ऑल नोटिफिकेशन आपने सेलेक्ट किया है पहला ऑप्शन कि नहीं किया है। अगर आपने केवल बेल आइकन प्रेस किया है तो भी आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी, ठीक है, या कभी कभी गलती से मिल जाए तो मिल जाए, जब आप ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करोगे तभी मिलेगी। अगर अगर ये सारी दिक्कतों से बचना है तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, मैं वीडियोस भेज दिया करता हूँ वहाँ पर, हर एक वीडियो कोई नई अपडेट होती है, ठीक है। कुछ भी अगर मैं पीडीएफ फाइल्स के बारे में अगर मैं मिलती हैं तो वहाँ पर मैं, यानी न्यूज़ जो भी चीज़ें हैं आपको मैं टेलीग्राम पर भेज दिया करता हूँ, उसको आशा करते हैं कि आप लोग ज़रूर डाउनलोड करेंगे और ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। चलिए तो इतनी थी आज की बातें, कोई सवाल है इसके अलावा आपका, कोई समस्या है तो एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।